हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे हम चैप्टर 13, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। अब डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, ये मैं बारी बारी से आपको एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखिए। मान लीजिए मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स में है मेरे पास नंबर ऑफ पेन्स और वाई में है उनका कॉस्ट। अब मान लीजिए एक पेन का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़, तो उसी तरह के दो पेन का जो प्राइस होगा वो 20 रुपीज़ होगा और तीन पेन्स का प्राइस होगा 30 रुपीज़। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या चल रहा है। जब मैं पेन्स को बढ़ा रहा हूँ तो जो वाई है यानी कि उनका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। यानी जब मैं एक्स को बढ़ाता हूँ तो वाई भी यहाँ पर बढ़ रहा है। या मैं इसे उल्टा देखूँ, तीन पेन से मैंने दो पेन कर दिए तो इनका प्राइस भी घट के 30 से 20 हो गया। तो यहाँ हो रहा है कि अगर मैं एक्स को कम करता हूँ तो फिर वाई भी कम हो रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ना प्रॉब्लम्स के अंदर, उसे हम डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पर प्रोपोर्शन इसलिए बोला गया है कि एक्स और वाई के बीच में ना थ्रो आउट जो रिलेशन होगा वो सेम होगा। अब यहाँ पर जब भी आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है तो एक्स और वाई के बीच में जो रेशियो होती है वो थ्रो आउट सेम रहती है। जैसे पहली चीज़ उठाएं, यहाँ 1/10 है ये, दूसरे पर देखें 2/20 है। सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 1/10 ही आएगा। तीसरा देखें 3/30 है, ये भी कटकर 1/10 आया। तो जब ये रेशियो सेम आ रही है सब जगह पे, फिर हम इसे प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर ये रेशियो सेम नहीं आएगी ना तो हम इसे प्रोपोर्शन नहीं बोल सकते। डायरेक्ट रिलेशन तो बोल सकते हैं कि पेन बढ़ने से प्राइस बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन अगर कॉस्ट एक प्रॉपर रेशियो में बढ़ रही है तभी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला जाएगा। अब आते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह का आएगा, इसमें आपसे कह देगा कि तीन पेन का प्राइस अगर 30 रुपीज़ है तो बताइए 10 पेन का प्राइस कितना होगा। तो पहले तो आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट। आपको गिवन है कि नंबर ऑफ पेन्स 3 हैं और उनका कॉस्ट 30 रुपीज़ है। और दूसरा ये भी गिवन है कि 10 पेन्स हैं, उनका कॉस्ट बताइए कितना है। तो ये चीज़ आपकी गिवन होगी। अब आपको सॉल्यूशन में ये जो रेशियो है इसी का ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो जो इनकी रेशियो होगी वो आपस में बराबर होगी। यानी 3/30 बराबर होगा 10/x के। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × x इज इक्वल टू 30 × 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 × 10, ये है मल्टीप्लाई में ना, डिवाइड में चला जाएगा। 3 1s are और 3 10s are और x की वैल्यू आ गई 10 10s are 100। यानी 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज़ होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसकी पहचान डायरेक्ट की ऐसे ही होती है कि जब आपकी एक चीज़ बढ़ रही हो तो साथ में दूसरी भी बढ़ रही हो, और अगर एक घट रही हो तो दूसरी भी घट रही हो, तो सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन होता है उनके बीच में। अब आते हैं इनवर्स पे। इनवर्स का एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो चीज़ें हैं एक्स और वाई। एक्स में है मेरे पास नंबर ऑफ किड्स यानी कि बच्चे, और वाई में मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ टॉफीज। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 20 टॉफीज हैं टोटल। इन 20 टॉफीज को मुझे बच्चों में बांटना है, और वो भी इक्वल इक्वल। तो अगर एक ही बच्चा है तो सारी की सारी 20 टॉफीज उसको मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ही बच्चा मिला, मेरे पास टोटल टॉफीज हैं 20, मुझे एक ही बच्चा मिला तो मैं सारे 20 टॉफीज उसी को दे दूंगा, उसी को मिलेंगी। लेकिन अगर बच्चे दो हो जाते हैं, यानी दो बच्चों को अगर उन 20 टॉफीज को बराबर बांटा जाए तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी फिर, 10, और दूसरे को 10, यानी 10 10 मिलेंगी फिर उसको। तो ये नंबर ऑफ टॉफीज होगा 10। लेकिन अगर चार बच्चे हो जाएं तो चार बच्चों में 20 टॉफीज को मुझे डिवाइड करना है तो एक बच्चे को फिर 5 5 मिलेंगी। हो गया ना, ये चार बच्चे हो गए, 5 5 5 5 टोटल होगी 20 टॉफीज, तो फिर 5 टॉफी मिलेंगी। अब यहाँ प्रॉब्लम में आप
एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देखें, जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको मिलने वाली जो टॉफी है ना वो आपकी कम होती जा रही है। यानी जब एक्स बढ़ रहा है तो जो वाई है ना, वाई की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, यानी उल्टा हो रहा है। अगर मैं पीछे से देखूं, मैं एक्स को कम कर रहा हूं, अगर एक्स कम हो रहा है तो वाई यानी कि नंबर ऑफ टॉफीज वो बढ़ रही है। जब मैंने बच्चे कम किए तो उनको मिलने वाली जो टॉफी है ना वो बढ़ रही है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ना, ये उल्टा, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया इनके बीच में। अब प्रोपोर्शन ये तभी बोला जाएगा जब एक्स और वाई के बीच में थ्रो आउट रिलेशन सेम रहता है। और इनवर्स के अंदर जो रिलेशन होता है ना, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ये होता है कि उनका जो प्रोडक्ट है ना वो सेम रहता है। यहां पर देखें, 1 × 20 पहला जो सेट है, 20 आ गया, ऐसे 2 × 10 ये 20 आ गया, 4 × 5 ये 20 आ गया। यहां पर एक्स और वाई के बीच में इनका प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है। अगर ऐसा होता है तो ही ये इनवर्स प्रोपोर्शन बोला जाएगा, प्रोपोर्शन इसी की वजह से बोला जाता है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कैसी आएगी, क्वेश्चन किस तरह का आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे कि आपके पास 20 टॉफीज हैं, अगर आपके पास 20 टॉफीज हैं और आप चार बच्चों में उन्हें इक्वली बांटते हैं तो एक बच्चे को 5 टॉफी मिलेंगी। तो बताइए अगर उन्हीं 20 टॉफीज को आप 5 बच्चों में इक्वल ही डिवाइड करें तो फिर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेंगी। तो प्रॉब्लम के हिसाब से आप ये टेबल तो बना लेंगे। आपको दे दिया नंबर ऑफ किड्स 4 और उनको मिलने वाली टॉफी 5। आपसे पूछ लिया कि अगर बच्चे 5 हो जाएं तो फिर हर बच्चे को टॉफी कितनी मिलेंगी, तो यहां पे एक्स मान लेंगे। अब रिलेशन जो है एक्स और वाई के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन में रिलेशन जो होता है उनका प्रोडक्ट सेम होता है। तो अकॉर्डिंग 4 × 5 बराबर होना चाहिए 5 × x के। बस यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो इधर 4 × 5 एक्स के पास मल्टीप्लाई में है 5, यहां डिवाइड में चला जाएगा। तो 5 से 5 कट गया और ये आ गया 4। तो आंसर हो गया 4। अगर वही 20 टॉफियां 5 बच्चों में बांट दी जाए तो फिर हर बच्चे को 4 टॉफियां मिलेंगी। ये देखिए 4 × 5 = 20। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। इससे अलग पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे क्वेश्चंस हैं, उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।